नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट कल से इंतजार कर रहे थे कि जो सरकारी कॉलेजों की जितने भी राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होने वाली थी। सभी को पता था कि जो डेट थी वो 22 जुलाई एक तरीके से दी गई थी, उसके बाद में 23 जुलाई को आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। अब इसमें लिस्ट वगैरह किस तरीके से देख सकते हो, साथ में आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी कब आने वाली है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से कॉलेज में सबमिट करवाने होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है उसका नेम भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन रहेगा, DCE। आप किसी भी वेब ब्राउजर पर जाकर सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में आपको इंटरफेस शो कर देगा जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें आपको एक तरीके से अपने जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको डालने होंगे, साथ में अपनी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको डालना होगा। उसी के बाद में आपको जो कैप्चा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद में आपको जो आपका रिजल्ट है आपके सामने होगा, यानी कि आप सर्च पर जैसे क्लिक करते हो तो आपको जो आपका रिजल्ट रहेगा आपकी आंखों के सामने होगा। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो एक तरीके से लगवाने हैं, साथ ही में आपकी जो डेट है वो कब तक रहेगी। अब देखो डेट का मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट्स है, साथ में आप अपनी जो फीस है वो कब तक सबमिट करवा सकते हो, ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको विश्वविद्यालय यानी कि जो भी आपका कॉलेज रहता है उस कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आपको सबमिट करवाने होंगे। उसकी जो डेट रहेगी वो आपकी 25 जुलाई तक रहने वाली है। 25 जुलाई तक आप जाकर अपने कॉलेज में सबमिट करवा सकते हो। जैसे कि आज 23 हो चुका है, मतलब कि 23 के बाद में 24, 25 आपके पास में 2 से 3 दिन है, आप कॉलेज में जाकर ये डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा पाओगे। अब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। उसके बाद में आपकी जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट है या एक तरीके से सेकंड लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो आपकी कब तक जारी होगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। देखो इसमें क्या रहता है कि जब आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होता है वो आपका एक तरीके से बधाई पत्र होता है, जिसमें कि आपको क्लियर भी कर दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। उसके बाद में ये आपकी जो फीस है वो रहने वाली है। उसके बाद में इतने डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कॉलेज में सबमिट करवाने होंगे। इनमें एक तो आपका बधाई पत्र हो गया, आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपका मूल निवास हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका फॉर्म का प्रिंट रहता है वो प्रिंट आपका लगेगा। उसके बाद में जो TC है, जैसे कि आपका जो भी स्कूल रहा है, लास्ट जो स्कूल रहा है उस स्कूल से आपको TC लाना है, साथ में आपका CC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपका आधार कार्ड है और उसके बाद में आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, आयकर प्रमाण पत्र है वो आपके लगते हैं। उसी के साथ में एक बोनस प्रमाण पत्र रहता है जिसका मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वगैरह में हुई है, कुछ ऐसी गर्ल्स है जो विधवा है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि विकलांग है। उसी के बाद में अगर आपके पास में NSS, NCC या स्काउट का एक तरीके से सर्टिफिकेट है तो आप बोनस अंक है वो ले सकते हो, ठीक है, यानी कि आपको ज्यादा प्रायोरिटी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके कंपेयर में आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन में। तो ये पूरा एक इंफॉर्मेशन रहता है जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ पर जो फीस रहेगी वो फीस आपके कॉलेज के द्वारा निर्धारित की जाती है कि फीस आपकी कितनी रहेगी। अब आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी कब जारी होगी, देखो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको जो भी कॉलेज मिली है उस कॉलेज में जाना होगा। जाने के बाद में वहां पर आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद में आप जो अपनी फीस है वो सबमिट करवा सकते हो, ऑनलाइन भी फीस सबमिट करवा सकते हो उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। बाकी आप यूनिवर्सिटी में जाकर भी चालान कटवा सकते हो। ये चालान आप अपने पास में रखना क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, अभी जैसे उसकी कोई अपडेट नहीं है स्कॉलरशिप की, मे बी नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। CM स्कॉलरशिप हो गया, साथ में जो एक तरीके से समाज कल्याण विभाग में SJE स्कॉलरशिप है वो भी स्टार्ट होगी। तो इनके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें, इनके लिए मैं आपको वीडियो भी है वो अवेलेबल कराऊंगा, तो उनके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो चालान है वो आपका स्कॉलरशिप में लगेगा, ठीक है, तो इसको अपने पास में सुरक्षित रखना। उसी के बाद में जब आप सभी छात्र जो अपना रिजल्ट है वो देखोगे तो वहां पर क्या कुछ आपको शो करेगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो एक तो उसमें जैसे आपकी एप्लीकेशन आईडी है, कॉलेज नेम आपको शो कर जाएगा, ठीक है, कोर्स नेम है और नेम ऑफ एप्लीकेंट है वो आपको शो करेगा। उसमें आपको जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर एक तरीके से सबमिट, मतलब कि एक तरीके से आपको बता दिया जाएगा। साथ में जो डेट है वो एक तरीके से आप किस तरीके से मतलब कि डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हो उसकी डेट भी आपको वहां पर दिखाई देगी। साथ में जो
फॉरम फीस है, मतलब कि जो आपकी कॉलेज की फीस रहने वाली है वो कॉलेज की फीस भी आपको वहीं पर शो कर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे। सेकंड लिस्ट आपकी 25 तारीख के बाद में जारी होने वाली है, क्योंकि 25 तारीख तक तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस के बाद में सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी। तो उस सेकंड लिस्ट में भी अभी देखो, मैं भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है उनको यहाँ पर फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है इसमें ही एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि अभी देखो 555 के तकरीबन, या मतलब कि 500 प्लस कॉलेज है राजस्थान में, गवर्नमेंट कॉलेज है 500 प्लस, और इनमें ही एक तरीके से स्टूडेंट्स को, जैसे कुछ कॉलेज अलवर की भी है, जयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, करौली है, सीकर है, धौलपुर है, उसके बाद में बीकानेर है, गंगानगर है, जितने भी जिले हैं सभी में कॉलेज है, और उन कॉलेजों से जो संबद्धता प्राप्त जो कॉलेज है वो भी है, और उनमें ही एक तरीके से ये फिलहाल एडमिशन है वो चल रहे हैं। बाकी आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और आप रिजल्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं वो आपको साइट पर, जैसे मैंने आपके लिए जो मतलब कि जो क्रॉप करके एक इमेज भी मैंने लगा दी थी, यहाँ पर जाकर आप देख पाओगे। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।